हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग गुड विद सैम। दाल मखनी की जो कहानी है ये तीन दोस्तों से शुरू हुई, कुंदन लाल जग्गी, कुंदन लाल गुजराल और ठाकुर दास। ये तीन दोस्त जो हैं ये पार्टीशन के वक्त 1947 के आसपास हिंदुस्तान आए और दिल्ली में इन्होंने रेफ्यूज लिया और दरियागंज जो कि एरिया है, बड़ा फेमस एरिया है ओल्ड दिल्ली के पास, वहाँ पर इन्होंने एक जगह ली और एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जिसे हम मोती महल के नाम से जानते हैं। और जो इन्होंने पाकिस्तान में सीखा, जो तंदूरी आइटम्स इन्होंने सीखी, बटर चिकन हो गया, तंदूरी चिकन हो गया और आज की जो हमारी स्पेशल रेसिपी है दाल मखनी, तो दाल मखनी की शुरुआत मोती महल से ही हुई। तो यही बढ़िया रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं आज, बड़े आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक ये लाल बटन है सब्सक्राइब का, इसे प्लीज़ आप प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच जाएं। आज हम खुले बर्तन में दाल मखनी बनाएंगे। पानी डाल दिया हमने। आप चाहें तो दाल को प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। एक सीटी लगाने के बाद उसको आधा घंटा लो फ्लेम पे आप रख दीजिए। मैं थोड़ा ट्रेडिशनल वे में आराम आराम से काढ़ काढ़ के दाल बना रहा हूँ। ये हमने उड़द की दाल ले ली है, इसमें थोड़ी सी चना दाल है, राजमा हमने लिए हैं, अब ये हम इसमें डाल देंगे। भैया दाल मखनी में मक्खन के बिना तो काम बनेगा नहीं, तो हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें गार्लिक का पानी डाल देंगे। गार्लिक को क्रश कर लिया है, मलमल के कपड़े में ले लिया, कोई भी आप क्लॉथ ले सकते हैं, और इस तरीके से स्क्वीज करना है इसको ऐसे। एक पैन में हम देसी घी डालेंगे। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब डालेंगे हम टोमेटो प्यूरी। ये टिन वाली टोमेटो प्यूरी यूज कर रहे हैं हम। आप चाहे तो फ्रेश टोमेटो से भी प्यूरी बना सकते हैं। अब जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये बहुत बढ़िया कलर देती है। अब ये गया हमारा बटर राउंड टू। अभी थोड़े राउंड्स और बाकी हैं बटर के, क्योंकि ये दाल मखनी है तो मक्खन के बिना कैसे पूरी हो सकती है। अब हम अपनी दाल में ये प्यूरी ऐड कर देंगे। सारी प्यूरी हमने डाल दी है, तो आप देख सकते हैं कि कलर हमारा रंग में आ रहा है, बदल गया है। इसको थोड़ा पकाएंगे और बीच बीच में कोशिश करिए कि दाल को मैश भी थोड़ा सा करते रहें आप करछी से। अब घड़ी आ गई है नमक डालने की, स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी देर हो गई यार, इसने नमक नहीं डाला। उसका रीज़न है क्योंकि अगर हम शुरू में नमक डाल देते तो दाल का जो आउटर क्रस्ट है वो हार्ड हो जाता है, क्रिस्प हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब बटर राउंड थ्री, इसे पकाइए। थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, काढ़ना है, खूब काढ़ काढ़ के बनानी है दाल मखनी। अब ये गया हमारा तड़का। ये देसी घी में थोड़ी सी कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का है। दाल मखनी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें फ्रेश क्रीम से आप इसको गार्निश कर सकते हैं इस तरीके से। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी।